नमस्ते और हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजू और लर्न इंग्लिश विद संजू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अंग्रेज़ी के सबसे छोटे वाक्य के बारे में बताना चाहती हूँ जो सिर्फ एक वर्ड है। गो इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट ऑल्सो हैज़ द लॉन्गेस्ट इम्प्लाइड मीनिंग। सबसे छोटा वाक्य है जिसका सबसे बड़ा मीनिंग है। गो इवेंट को बता रहा है, गो वर्ब है, यू जो है इसमें इम्प्लाइड है, पूरा सेंस है इस वर्ड में, इस वजह से इसको अंग्रेजी का सबसे छोटा सेंटेंस माना जाता है। वैसे तो बहुत लोग इसे गलत मानते हैं, पर सारे रिसर्च के अनुसार गो ही सबसे छोटा वाक्य है। अगर हम एकदम टेक्निकल बोले तो यू गो कंप्लीट सेंस कहता है। यहाँ पे किसी ने बताया है, बाय द डेफिनेशन अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। That subject in the sentence is implied, which is you, and the verb is go. So that makes it the shortest possible complete sentence in English. एक बार फिर से, a sentence must have at least a subject and a verb. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। The subject in this sentence is go. You is implied. यहाँ पे imperative है subject. इम्पेरेटिव का मतलब जानते हैं, ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, क्रूशियल। सेंटेंस में देख लेते हैं, इमीडिएट एक्शन वॉज इम्पेरेटिव। इसका मीनिंग है वाइटली इम्पॉर्टेंट, ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस। Second meaning, giving an authoritative command. The bell pealed again, a final imperative call. मैंने इम्पेरेटिव के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि जब हम सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं यू गो, तो उस सेंटेंस में गो जो है वो इम्पेरेटिव है और यू जो है वो इम्प्लाइड मीनिंग है। इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, एक आधिकारिक आदेश दे। पहला मीनिंग था ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, महत्वपूर्ण, महत्व का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कॉमेंट फॉर सजेशंस, सब्सक्राइब एंड also ask your friends to subscribe. Till then, it's bye from me, Sanju. Take good care of yourself and your family and keep smiling and keep learning, keep updating yourself and enjoy your life.